ग्वालियर जिले में चुनाव आदर्श आचार संहिता के चलते अवैध मादक पदार्थों के धंधे से जुड़े लोगों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इसके तहत ही जिले की हजीरा पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष आरोपी को स्मैक और गांजे के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल जिले की हजीरा थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि पताली हनुमान मंदिर के पास कांच मील इलाके में एक महिला तस्कर द्वारा अपने एक साथी की मदद से गांजा और स्मैक सप्लाई किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से आरोपी मुन्नू उर्फ संतोष तोमर को दबोचकर उसके कब्जे से 3 किलो गांजा और 3 ग्राम स्मैक बरामद किया। वहीं जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कांच मिल की रहने वाले ही गुड़िया उर्फ मोहनी से वह गांजा और स्मैक खरीद लेता था। पुलिस ने सूचना पर गुड़िया उर्फ मोहनी के कब्जे से 22 किलो गांजा और 29 ग्राम स्मैक जब्त कर लिया है। जब्त किए माल की कुल कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हजीरा थाना क्षेत्र में जो आदर्श आचार संहिता के पालन में लगातार अवैध मादक पदार्थ, अवैध फायर आर्म्स और अवैध शराब के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही ग्वालियर पुलिस द्वारा, उसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त मिली थी कि हजीरा क्षेत्र का एक मुन्नू करके है, मुन्नू उर्फ संतोष तोमर अवैध गांजे का व्यापार कर रहा है, मादक पदार्थ का, और इसमें एक भी बेचता है। उक्त सूचना पर उसके घर पर जाके हजीरा पुलिस द्वारा रेड की गई थी, तो रेड के दौरान उसके कब्जे से 3 किलो गांजा और करीब 3 ग्राम इसमें एक बरामद हुई थी। धारा 8/20 और 8/21 NDPS एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से पूछताछ की गई कि गांजा और इसमें कहां से लाता था, तो इस संबंध में उसके द्वारा बताया गया कि गुड़िया उर्फ मोहनी जो है उसके द्वारा गांजा दिया गया था और उसके यहाँ से ला कर बेचता हूँ। तो उस पर से जो है हजीरा पुलिस ने आज मेमोरेंडम के आधार पर रेड की, तो गुड़िया के कब्जे से 22 किलो गांजा और 30 ग्राम इसमें आज गुड़िया उर्फ मोहनी के कब्जे से बरामद हुई है। इस प्रकार प्रकरण में करीब टोटल 25 किलो गांजा और 12 ग्राम इसमें बरामद हुई है।